में हुआ था। तो प्रश्न बनेगा, वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो सेनापति थे, रॉबर्ट क्लाइव ने इनका नेतृत्व किया था। तो जाहिर सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव के सामने डचों को हारना ही था। इसके बाद करते हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। ये काफ़ी शानदार चीज़ थी कि अंग्रेज भारत में आए और किस प्रकार से इन्होंने भारत को जीता। तो बात करते हैं 31 दिसंबर के समय की। तो 1600 ईस्वी के लगभग में 31 दिसंबर का समय था, 1600 ईस्वी थी। इंग्लैंड में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्संबंधी एक अधिकार पत्र भी दिया और कहा कि आप जाके भारत में व्यापार कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती दौर में लगभग 217 साझेदार थे और इसमें महारानी एलिजाबेथ भी एक साझेदार के रूप में थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर्ड का एक एकाधिकार प्रदान किया था। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसे तब वे फैक्ट्री कहा करते थे, लगभग इन्होंने 1608 ईस्वी में सूरत, जो कि वर्तमान गुजरात में है, वहाँ पर स्थापित की। परंतु ये सफल नहीं रही। इसके बाद इन्होंने 1611 ईस्वी में सफलता प्राप्त की। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, अगर वहाँ पे प्रथम गवर्नर जो थे वो थॉमस स्मिथ था। कहाँ का? सूरत की कोठी का। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1616 ईस्वी में आया। कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में 3 वर्ष तक भारत में रहा था, उसे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था और जागीरें भी दी थी। कैप्टन हॉकिंस जो है वो हेक्टर नामक जहाज पर आए थे, याद रखने वाली बात है। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर मुसलीपट्टनम को सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी में स्थानांतरित किया। 1639 ईस्वी को मद्रास में तथा 1651 में हुगली को अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई। सर थॉमस रो के भारत से वापस इंग्लैंड जाने के पूर्व अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोस में अपनी व्यापारिक कोठियाँ या फैक्ट्रियाँ स्थापित की। सर थॉमस रो की बात करें तो इन्होंने गुजरात के सूबेदार खुर्रम जो थे से व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का फरमान भी प्राप्त किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोला था। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास शहर की स्थापना की और वहाँ फोर्ट सेंट जॉन। नामक किले की स्थापना की। 1650 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक योग्य डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने बादशाह फारूक शियर को प्राणघातक फोड़े से निजात दिलवाई थी, इसीलिए इन्होंने इसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। फारूक शियर ने कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था, ये उसी का जो गिफ्ट था इलाज करने का। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली के कारखाना स्थापित किया। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगालियों के राजा ने भारत में अपनी अधीन जो मुंबई शहर था बतौर दहेज चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। तो इस प्रकार से मुंबई जो था वो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिल गया और पुर्तगालियों से इसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई शहर को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दे दिया। गवर्नर गेलार्ड, जो अगोरियार नाम से आप जानते हैं, ने मुंबई नगर की स्थापना की। तो अगर पूछे कि मुंबई नगर की स्थापना किसने की, तो गेलार्ड ओगियार। भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज जो था वो हेक्टर था। याद रखिएगा, हेक्टर नामक जहाज के कप्तान कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने 1689 में तात्कालिक बंगाल के सूबेदार अजीमुल शान से 3 गांव प्राप्त किए, सुतानुती, कालीघाट और गोविंदपुर। इनकी जमींदारी लगभग 1200 रुपये का भुगतान कर प्राप्त कर ली थी। कालांतर में जार चौनौक ने इसे कलकत्ता नगर के रूप में बसाया। तो कलकत्ता नगर को किसने बताया? जॉब चौनौक ने। 1700 ईस्वी में जॉब चौनौक ने सुतानुती में कारखाना स्थापित किया और इसकी किलाबंदी कर इसका नाम फोर्ट विलियम रखा। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। बंगाल में सीमा शुल्क की छूट कंपनी ने 1691 में प्राप्त की। 1717 ईस्वी में फारूक शियर ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ये फारूक शियर वही हैं जिनके पैर में चोट लगी थी और विलियम हैमिल्टन ने इनका इलाज किया था। 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी जो थी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया।
1708 ईस्वी में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विंग ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। बात कर लेते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1664 ईस्वी में हुई।